सोना लेने भी गए मेरा सोना कर गए देश सोना लेने भी गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तूने देखा है? कहाँ देखा है पापा जी? हमें माफ करते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा याद आया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। दरअसल इंसान बहुत कमजोर है। इंसान एक लोहे की मानिंद है बेटा, और नेकी हरारत है। जब रहमान से यह हरारत मिलती है तो लोहा फौलाद बन जाता है बेटा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे बैठा? हमें ख्याल आया आप यहीं कहीं होंगे। अच्छा उसने तुम्हें बता दिया कि मैं यहीं हूँ? हमें तो किसी ने नहीं बताया, ना हमने पूछा आप कहाँ हैं। मंगल मांगल गाते जो सखियां कर सका, मैं कोठे चढ़ चढ़ देखती मेरा कद कर आवे यार बुल्ली। सूफी साहब, ये आपके पैसे हम वापस करने आए। आखिर में बेटा मैंने ये पैसे क्या करने हैं? ये तुम अपने पास रख लो, यू समझो कि ये तुम्हारे लौटाने का इनाम है। सूफी साहब आजकल हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह खैर करे बेटा, क्या हुआ? पुलिस ने हमारे दोस्त पर किसी के कत्ल का मुकदमा डाल दिया है। बाबा हम मानते हैं कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन इस केस में हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। पुलिस पैसे खाकर हमारे दोस्त को फंसा रही है। आप हमारे हक में तो आकर। अगर वो बेगुनाह है और अल्लाह से मदद की उम्मीद तुम सबके दिलों में जाग उठी है तो यकीन करो कि अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह उम्मीद का बंधन बांधने वालों के लिए अपने दर से मदद के वसीले बना के भेजता है। जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह आपका हाफिज व नासिर हो और नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। अरे भाई साहब आप ऊपर बेंच पर बैठिए। अलीमुद्दीन मैं अपनी तबीयत और अपनी खुशी से जमीन पर बैठा। भाई साहब ये बेंच बैठने के लिए ही बनाए गए। अलीमुद्दीन ये बेंच तुम जैसे और मुझ जैसे किसी इंसान ने बनाया है। ये घास, ये जमीन मेरे अल्लाह ने बनाई है। अब बता, अगर एक तस्वीर एक छोटे मुसव्वर ने बनाई हो और एक तस्वीर एक बहुत बड़े मुसव्वर ने बनाई हो और वो दोनों तस्वीरें आपको मुफ्त में मिल रही हो, तो बताओ कौन सी तस्वीर लेना पसंद करोगे? ये बात है, फिर मैं भी जमीन पर बैठूं। ये की ना इंसानों वाली बात। भाई साहब मालूम नहीं क्यों मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। हिना की वजह से? जी भाई साहब, हिना की बीमारी ने मुझे तो बेहाल कर दिया है। अलीमुद्दीन तुम उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? जिसके साथ शादी करोगे वही उसका ख्याल भी करेगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरी बेटी को कैंसर है, आप उसकी शादी की बात कर। तुम रो क्यों रहे हैं अलीमुद्दीन? तुम रो क्यों रहे? उसे कैंसर है जो एक बीमारी है। अल्लाह तबारक ताला को
قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار پڑ جاتے ہو تو وہی تو ہے جو تمہیں شفا دیتا ہے. ارے تم قرآن کے منکر ہو رہے ہو، توبہ کرو. ارے بندی توبہ کرو. میں کیا کروں بھائی صاحب، میں کیا کروں؟ علیم الدین، اللہ کے وعدے کا اعتبار کرو. چاچو چلے اٹھے، یہاں بیٹھ جائے، اٹھے نا. اب آپ بالکل چپ کر کے یہاں بیٹھ جائے. پاؤں دے دے نا چاچو. چاچو ایک خوبصورت سا شعر سنا دے. چٹی چادر پلاسٹ کڑیے فقیرا روئی، چٹی چادر داغ لگے سی لوئی داغ نہ کوئی. شاہ حسین کہتا ہے تیری قطن والی جیوے. چاچو یہ کافی تو عبدہ کی پروین نے بہت خوبصورتی سے گائی ہے، میں لگاؤں؟ چرکلا چرکلا سائیاں دا تیری قطن والی جیوے.